हाँ जी स्टूडेंट्स, आज दी इस वीडियो विच मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी प्लस टू क्लास दे सब्जेक्ट EVS दा सैकेंड सैंपल पेपर। तुहाडे प्रीवर्ड एग्जाम ते जिहड़े फाइनल एग्जाम दी प्रैपरेशन दे लई इह मॉडल ते सैंपल पेपर जिहड़ा तैयार किया। नाल ही इस वीडियो दे विच मैं इसनू सॉल्व करके तुहानू इहनां दे आंसर भी दसांगी क्वेश्चनस दे, तां जो तुहानू जिहड़ा हिंट मिल सके कि किहड़े क्वेश्चनस ने जिहड़े तुहाडे EVS सब्जेक्ट दे लई इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने। फर्स्टली तुहाडा एग्जाम है जिहड़ा 45 मार्क्स का होना, थ्योरी 5 मार्क्स तुहाडे प्रैक्टिकली होने, 50 मार्क्स का जिहड़ा टोटल एग्जाम तुहाडा होएगा, जिस दे विचों फस्ट तुहाडे कोल बहुविकल्पी प्रश्न होणगे। फस्ट क्वेश्चन इत्थे अपने कोल है सैंपल पेपर विच, जैविक विभिन्नता शब्द की वरतों सब तो पहला किसने की सी? इस दे विच अपना राइट आंसर है फस्ट ऑप्शन वॉल्टर जी रोजन। सैकेंड क्वेश्चन है, विश्व सेहत संगठन का मुख्य दफ्तर कित्थे है? इसका राइट आंसर है अपने कोल ईडी ऑप्शन जेनेवा दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, कोले की केड़ी किस्म विच कार्बन की सब तो घट मात्रा है? इस दे विच अपना आंसर है फस्ट ऑप्शन पीट। नैक्सट क्वेश्चन, भोजन की सांभ संभाल का केड़ा उत्तम ढंग है? अति ठंडा करना, रसायनिक सांभ संभाल, धुप्प विच सुकाउणा। इस दे विच अपना राइट आंसर है सस्ता ऑप्शन उपरोक्त सारे, कि उपरोक्त सारे तरीके ने जिहड़े उह भोजन की सांभ संभाल दे ने उत्तम ढंग है। नैक्सट क्वेश्चन, वातावरणी प्रबंधन का मुख्य उद्देश की है? वातावरण नूं प्रदूषण तो बचाउणा, वातावरण नूं दुरवरतों तो बचाउणा, दोवें उड़ा ते आड़ा, कोई भी नहीं। सो इस दे विच अपना राइट आंसर है जिहड़ा उह ईडी ऑप्शन है दोवें उड़ा ते आड़ा। नैक्सट है अपने कोल बहुत छोटे उत्तरां वाले प्रश्न, एक शब्द का एक लाइन के विच जिहड़ा तुसीं क्वेश्चन का आंसर है करना है। फस्ट क्वेश्चन है, किसी एक दवाइयां देने वाले पौधे का नाँ लिखो। इस दे विच आपां लिख सकते हैं सिनकोना, जिस तो कि आपां नूं कुनीन जिहड़ी दवाई आ उह प्राप्त हुंदी है सिनकोना। नैक्सट क्वेश्चन, भारत विच सुरक्षित जीव मंडल किन्ने हन? इसका आंसर है अपने कोल 14। नैक्सट क्वेश्चन, विश्व सेहत दिवस कदों मनाया जाता है? हर साल 7 अप्रैल। हर साल 7 अप्रैल। नैक्सट क्वेश्चन, भौं की सांभ संभाल का एक ढंग लिखो। कोई भी एक ढंग लिखना इस दे विच तुसी लिख सकते हो, वध तो वध रुख लगा के, वध तो वध रुख लगा के भौं नूं है जिहड़ा बचाया जा सकदा। नैक्सट है अपने कोल क्वेश्चन, भारत विच जनसंख्या दे वाधे दे की प्रभाव हन? कोई भी लिख सकदे हो तुसी, इस दे विच आपां लिख सकदे हां गरीबी अते बेरोज़गारी। गरीबी अते बेरोज़गारी। नैक्सट है खाली थावां भरो। फस्ट अपने कोल है फिलप, चावल अते कणक डैश साल फसल चक्कर दी उदाहरण हन। इस दे विच अपना आंसर है एक साल। नैक्सट क्वेश्चन, इको मार्क दी स्कीम सब तो पहला डैश देश विच लागू हुई किहड़े देश विच लागू हुई सी? पछमी जर्मनी दे विच। इको मार्क की स्कीम सब तो पहला पछमी जर्मनी देश विच लागू हुई सी। नैक्सट क्वेश्चन है अपने कोल, नर्मदा बचाओ अंदोलन दा डैश ने सहयोग किया, किसने किया सी? मेधा पाटकर। मेधा पाटकर ने, नर्मदा बचाओ अंदोलन दा मेधा पाटकर ने सहयोग किया। नैक्सट, वन महाउत्सव डैश विच शुरू किया गया 1950 शुरू किया गया सी। नैक्सट है, कुनीन दवाई डैश पौधे तो प्राप्त होंदी है सिनकोना।
कुनीन दवाई सिनकोना पौधे तो प्राप्त होंगी है। नैक्सट है अपने को सही गलत चुनो, 5 होंगे भी। फस्ट है जैविक विभिन्नता दिया 3 किस्म हैं, इसका आंसर है सही। नैक्सट क्वेश्चन, ताजे पानी का सोमा तालाब का पानी है, गलत। एजोबैक्टर नाइट्रोजन के स्थिरीकरण वाला बैक्टीरिया नहीं है, ये अपने को हो गया गलत। नैक्सट है अपने को तुलसी और पिपल दो पवित्र पौधे हैं, ठीक। MAB का पूरा नाम मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ये भी है अपने को सही। इन्हें अपने सही गलत, फर्स्ट ठीक सी, सेकंड गलत, थर्ड गलत, फोर्थ ठीक, फिफ्थ भी ठीक। नैक्सट है अपने को छोटे उत्तरां वाले प्रश्न 20 to 30 शब्दों के विच जिहड़ा उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है अलोप होने का मुख्य कारण की है, अलोप होने के जिहड़े कोई भी तुसी 2 or 3 रीज़न इस क्वेश्चन के विच आंसर के तौर पर कर सकते हो। इस दे विच फर्स्ट आप पॉइंट दे सकते हैं मनुख के लालच का वधना, सैकेंड वातावरण विच प्रदूषण का वधना, थर्ड विदेशी जातियां की आमद का वधना, फोर्थ पॉइंट है राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय व्यापार का वधना। ये 4 पॉइंट ने जिहड़े रीज़न ने अलोप होने के मुख्य कारण ने। नैक्सट क्वेश्चन है अपने को 2 अंदरूनी ते बाहरी परजीवियों के नाम दसो। अंदरूनी परजीवी दे विच लिख सकते हो फीता किरम, फीता किरम, जियार्डिया, जियार्डिया। नेक्स्ट एस्कैरिस, ये 3 हो गया अपने कोल अंदरूनी परजीवी। बाहरी परजीवी दे विच खटमल, कुतकी, जुआ, खटमल, कुतकी ते जुआ, ये हो गया अपने कोल बाहरी परजीवी। नैक्सट है अपने कोल NEP का विस्तार लिखो, NEP की जिहड़ी फुल फॉर्म है वह की है, कौमी वातावरण नीति, नैशनल इनवायरमेंट पॉलिसी। नैशनल इनवायरमेंट पॉलिसी, ये हो गया अपने कोल NEP की फुल फॉर्म। नैक्सट है CPCB दे 3 काम लिखो, CPCB दे कोई 3 काम लिखने ने। इस दे विच फर्स्ट है अपने कोल प्रदूषण नू रोकना, सैकेंड पॉइंट हवा प्रदूषण की रोकथाम घटा के हवा की गुणवत्ता विच वाधा करना, थर्ड पॉइंट है अपने कोल पानी दे प्रदूषण ते कंट्रोल करना। ये 3 काम ने जिहड़े CPCB दे ने, प्रदूषण नू रोकना, हवा प्रदूषण की रोकथाम घटा के हवा की गुणवत्ता विच वाधा करना, थर्ड पानी दे प्रदूषण ते कंट्रोल करना। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, रसायनिक खादां की वरतों के 2 प्रभाव दसो। रसायनिक खादां दे जिहड़े वरतों आ उस दे यूज़ दे जिहड़े प्रभाव ने कोई 2 दसने ने। फस्ट आपां लिख सकदे आ धरती हेठले पानी का प्रदूषण, सैकेंड है सतही पानी का प्रदूषण, धरती हेठले पानी का प्रदूषण ते सतही पानी का प्रदूषण। नैक्सट है अपने कोल वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न 80 to 100 शब्दों के विच जिहड़ा इसका उत्तर है तुसी लिखना होएगा। फस्ट क्वेश्चन है जैविक अनेक रूपता मनुख लई क्यों जरूरी है, जां जैविक विभिन्नता दे विनाश दे की कारण हन। इस दे विचों फस्ट क्वेश्चन जो है जैविक अनेक रूपता मनुखी जाति दी जीविका लई है, तो तुसी की समझते हो जा जैविक अनेक रूपता मनुख लई क्यों जरूरी है, उस क्वेश्चन का आंसर है अपने कोल दिस वन। पॉइंट्स लिखे हुए ने, पॉइंट्स दे विच कर सकते हो तुसी।
नैक्सट क्वेश्चन है अपने को, जीव अनेक रूपता या जैविक विभिन्नता के विनाश के की कारण हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया सी उसका आंसर है यही। पॉइंट्स के लिखा हुआ है, पॉइंट्स के तुसी कर सकते हो कोई भी, वो थोड़े तो डिपेंड है कि तुसी किन्ने पॉइंट करने ने। कोई 4 या 5 पॉइंट मेनली जो लिखने होंगे ने। फस्ट इतने दे रखे इन्होंने निवास स्थान की हानि और विखंडन, इस जे मुख। सैकेंड पॉइंट इन्होंने दे रखा विखंडन खंडित करना। थर्ड लोड नालों वध वरतों बहुत अधिक शोषण। फोर्थ पॉइंट प्रदूषण। नैक्सट क्वेश्चन अपने को, जरूरत इच्छावां ते सुख साधन विच की अंतर है, जां अपने वातावरण के अपने खेत्र के वातावरण के सुधार विच तुसी की भूमिका निभा सकते हो। इन विचों फर्स्ट क्वेश्चन जो है जरूरत इच्छावां ते सुख साधन विच अंतर, जां इन्हां तों तुसी की समझते हो, उस क्वेश्चन का आंसर। सैकेंड क्वेश्चन जिहड़ा अपने कोल हैगा सी अपने खेत्र के वातावरण के सुधार विच तुसी की भूमिका निभा सकते हो, उसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है अपने को लॉन्ग, मिश्रित किसानी की है, इसके लाभ और हानिया बारे वर्णन करो, जां असी ताजे पानी के प्रदूषण को किवें रोक सकते हाँ। इन्हां विचों कोई भी एक का जिहड़ा तुसी आंसर है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होणगे, 3 दे नाल ही तुहानूं ऑप्शन होएगी, उन्हां विचों तुसी चूज़ करके लिखना होएगा आंसर। फस्ट जो अपने कोल क्वेश्चन सी, मिश्रित किसानी की है, इसके लाभ और हानिया बारे लिखो, उसका आंसर है अपने कोल। फर्स्टली दस्या गया कि मिश्रित किसानी है जिहड़ी वो की होंदी आ, उसकी डेफिनेशन। उस तो बाद मिश्रित किसानी दे फायदे, नैक्सट अपने को मिश्रित किसानी दियां खामियां, इस दे नाल ही। फोर पॉइंट इस दे लाभ दे विच ने, 3 पॉइंट इस दियां हानियां, खामियां दा मीनिंग हानियां हुंदा, 3 पॉइंट इस दे। नैक्सट क्वेश्चन सी अपने कोल, असी ताजे पानी दे प्रदूषण नूं किवें रोक सकते हाँ, उसका आंसर है कि पानी दे प्रदूषण नूं रोकण दे वास्ते हेठां लिखे कदम उठाए जा सकते हन। फस्ट दरियावां झीलां ते छप्पड़ां आदि विच नहाउण अते कपड़े धोण दी मनाही होनी चाहीदी है। सैवन पॉइंट है जिहड़े इस दे दित्ते गए ने। यह हो गया अपने कोल असी ताजे पानी दे प्रदूषण नूं किवें रोक सकते हाँ, उसके तरीके। सो स्टूडेंट्स, ए सी सैंपल पेपर EVS का फॉर +2 क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।